सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 जितनी तकलीफें लेकर आया था उतना ही 2021 जो है वो खुशियां लेकर आएगा, ऐसा एक होप है और वो होप का मैसेज हर जगह चल रहा है। अगर आपके मोबाइल पर भी आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर बताने 2021 में कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज होने वाली है बॉलीवुड में और किसका पत्ता कट है। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारी बॉलीवुड की खबरों के लिए। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एकदम सच्ची खबर है, पक्की खबर है। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं पहली मूवी से जो रिलीज होगी 2021 में, सत्यमेव जयते। जी हाँ, आपने जॉन अब्राहम की जो पिक्चर देखी थी सत्यमेव जयते, उसका पार्ट टू रिलीज होने वाला है 2021 में। तो सत्यमेव जयते टू जो है वो पहली मूवी होगी जो रिलीज होगी। हेरा फेरी पार्ट थ्री पर जो बात चल रही थी वो कट हो चुकी है क्योंकि इसको जो डायरेक्टर है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो फिर हेरा फेरी के जो डायरेक्टर थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। बातें ये चल रही थी कि बाबूराव की जगह पर तो जो थे वही रहेंगे परेश रावल, लेकिन अक्षय कुमार को रिप्लेस करने वाले अभिषेक बच्चन थे। अब पक्का नहीं है कि ये मूवी आएगी क्योंकि 99% ये मूवी कट हो चुकी है। सेकेंड मूवी की ओर चलते हैं तो चलिए वो मूवी है मुन्ना भाई चले अमेरिका का भी पत्ता कट है। जी हाँ, मुन्ना भाई चले अमेरिका भी नहीं आएगी। तो ये दो कॉमेडी मूवीज एक साथ कट हो गई जो कि नहीं आने वाली है ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस, शेड्यूल के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, उसकी वजह से ये दोनों मूवीज कैंसिल हो चुकी है। 2021 में आप ये मूवी नहीं देखेंगे। तो चलिए अगली मूवी की ओर चलते हैं, वो है कागज। कागज क्या है? कागज यानी कि आपको हर चीज का डॉक्यूमेंट्स लगता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मृतक हो। ऐसा ही एक कागज जो है रियल मैन पर, रियल स्टोरी पर जो है, जो कि डेड मैन है। जी हाँ, डेड मैन क्या है? डेड मैन वो है जो मृतक होकर भी फिर से जिंदा होता है, यानी कि कहा जाता है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। इसके लिए आपको कागज चाहिए, मुझे पता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट आ गया तो फिर से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। काफी कॉमेडी मूवी भी है लेकिन एक सीख है कि गवर्नमेंट के काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप 2021 में कागज मूवी पंकज त्रिपाठी की ये जरूर देखेंगे और ये जो है एक रियल स्टोरी पर आधारित है। अगली मूवी जो आप देखने वाले वो है गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल अगेन, गोलमाल 5। जी हाँ, गो 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 गोलमाल, गो 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 गोलमाल 5। गोलमाल 5 आप देखने वाले हैं रोहित शेट्टी और अजय देवगन द्वारा, जो कि दोनों ही प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में है। तो दोनों मिलकर एक मूवी बना रहे हैं फिर से, जो कि एक रीमेक नहीं कहूँगा, उसका एक पार्ट है, कंटिन्यूएशन पार्ट है, जो 1, 2, 3, 4 चला। हालांकि गोलमाल 1 बहुत अच्छी चली थी, रिटर्न्स अच्छी नहीं चली थी, गोलमाल 3 अच्छी चली थी, फिर गोलमाल अगेन भी अच्छी खासी चली थी जो भूत पर आधारित थी, और अब आ रही है गोलमाल 5। तो 2021 में आप देख सकते हैं गोलमाल 5, जिसकी शूटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, और कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीनों में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और मिड 2021 में आप गोलमाल 5 जरूर देखेंगे थिएटर्स में। अब दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अक्षय कुमार की मूवीज के बारे में है। पहली मूवी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके फर्स्ट लुक आ चुके हैं, जो कि है बच्चन पांडे। जी हाँ, बच्चन पांडे, जो अक्षय कुमार ने दाढ़ी वगैरह बढ़ाई हुई है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक मूवी है जो देख सकते हैं, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, बस फर्स्ट लुक देखकर, उसके बाद कोई ट्रेलर्स रियल नहीं आए। तो दोस्तों अगर आप ऑफिशियल ट्रेलर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखें जहाँ पर रिलीज हो रहा है, जैसे डी सीरीज हो गया, जी म्यूजिक कंपनी हो गया, फॉक्स स्टूडियो हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और वूट हो गया, ये सारी चीज़ों पर आप देख सकते हैं। लेकिन आप किसी के जो फैन मेड जो ट्रेलर्स अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि इसका ट्रेलर आ चुका है। तो अब तक बच्चन पांडे का फर्स्ट लुक आ चुका है, जहां पर अक्षय कुमार खड़े हुए हैं दाढ़ी वगैरह के साथ में, एकदम बेयर्ड लुक है उनका, और एकदम ज़बरदस्त, एकदम ब्राउन कलर का लुक दिया उन्होंने, और काफ़ी ज़बरदस्त अलग टाइप की मूवी लग रही है। अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूँ तो अक्षय कुमार यहाँ पर नहीं थमते हैं। अक्षय कुमार दूसरी मूवी में आते हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टर और ब्रदर पर बेस्ड है, जहाँ पर भाई बहन के रिश्ते को दिखाया गया बड़े प्यार से, कैसा रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इसका भी अब तक फर्स्ट पोस्टर आया है लेकिन ट्रेलर नहीं आ चुका है। अगली अक्षय कुमार की मूवी, माय गॉड, अक्षय कुमार तो धनाधन मार रहे हैं 2021 में सिक्सर। अगली अक्षय कुमार की मूवी जो है वो है अतरंगी रे। अतरंगी रे क्या है? व्हाट इज अतरंगी? पहले तो मैं आपको बताऊं, अतरंगी यानी कि समथिंग डिफरेंट। यहां पर आप धनुष को भी देखेंगे। जी हां, मैं रजनीकांत साहब के दामाद की बात कर रहा हूं। ओए माइंड इट, उनके दामाद जो है धनुष, जिनको आपने काफी सारी मूवी में भी देखा था और उन्होंने गाना भी गाया था, वाई दिस कोलावेरी 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 डी, तो कोलावेरी डी पर वो रुके नहीं थे, उन्होंने काफी सारी मूवीज भी की थी। और अभी जो उनकी मूवी आ रही है वो है अतरंगी रे, जहां पर डुओ में आपको पाई जाएगी एक्ट्रेस जो कि है सारा अली खान। माई गॉड, सारा अली खान की भी किस्मत खुल चुकी है, अभी कुली नंबर 1 की थी जिसकी किस्मत जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुलियन मरन की बात नहीं करते हैं। आगे जो है अतरंगी रे ये मूवी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आप मूवी देख सकते हैं वो है सूर्यवंशी। ओ माय गॉड, अक्षय कुमार
यहाँ पर थमते नहीं है, आगे बहुत बढ़ रहे हैं अक्षय कुमार 2021 में जाएंगे। मुझे तो लगता है अक्षय कुमार अभी अपनी फीस बढ़ाने वाले और एकदम बिजी लगे हुए हैं। रोहित शेट्टी भी बिजी लगे हुए हैं, वहाँ पर गोलमाल 5 बना रहे हैं। सूर्यवंशी जो है वो है अक्षय कुमार पर, जो कि कॉप रिलेटेड है। मैंने आपको इसका रिव्यू दिया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर जरूर देखें सूर्यवंशी का रिव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टंग 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 तंग 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 तंग। जी हाँ, आप म्यूजिक से समझ गए हैं, भूल भुलैया की पार्ट 2 आ रही है। माय गॉड, अक्षय कुमार छक्का 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 4 छक्का, ऐसा मतलब रुक ही नहीं रहे हैं 2021 में। तो सूर्यवंशी के बाद जो आप देखेंगे वो है भूल भुलैया पार्ट 2। भैया अक्षय कुमार पूरा 2021 में छाए रहेंगे क्या थिएटर्स में? लगता तो यही है, क्योंकि थिएटर्स में काफ़ी कम मूवीज लगी अब तक। इंदू की जवानी वगैरह लग चुकी थी, कुली नंबर 1 अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी, इसके पहले सूरज पर मंगल भारी भी लगी थी और काफ़ी इंग्लिश मूवीज और मराठी मूवीज भी लगी थी। लेकिन सूरज पर मंगल भारी के बाद कोई ऐसी मूवी नहीं लगी जो धमाकेदार हो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिखे। ये थी 2021 की मूवीज, आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही खुशमय हो, यही मेरी आशा है। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।